माननीय सदस्यगण, सभी दलों के फ्लोर नेताओं ने और सत्ता पक्ष के तरफ से माननीय मंत्री जी ने और सदस्यों ने अपने विचार रखे। सभी का एक विचार है कि दुनिया में भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और इसकी लोकतंत्र की प्रतिष्ठा भी पूरे विश्व के अंदर है और दुनिया के अंदर भारत के लोकतंत्र की, उसके विचार की, उसकी स्वतंत्रता की, उसी अभिव्यक्ति की बात विश्व के कई सदनों में चर्चा भी होती है। और पिछले 17 लोकसभा सत्र से हमने इस देश में कई उतार चढ़ाव देखे। इस पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों के लिए सदन में चर्चा हुई, संवाद हुआ, वाद विवाद हुआ और जब जब भी सदन संसद पर बात आई तो सभी दलों ने संसदीय मर्यादाओं के लिए चर्चा की और सबने प्रयास किया कि संसद की मर्यादा बढ़नी चाहिए, क्योंकि देश की 130 करोड़ जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं का मंदिर है जहां माननीय सदस्य जो चुनकर आते हैं वो जनता की बातों को अभिव्यक्ति करते हैं और सब चाहते हैं कि सदन पवित्रतम रहे और इसमें वाद विवाद, संवाद, चर्चा स्वस्थ रूप से हो। मुझे भी आप सबने ये दायित्व सौंपा। पिछले 8 महीने संसद में आप सबके सहयोग से एक कीर्तिमान हासिल हुआ। संसद लंबे समय चली, महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए और कभी भी सदन में व्यवधान पैदा नहीं हुआ, तो जनता का विश्वास और भरोसा और संसद के प्रति बढ़ा। और मैं कह सकता हूं कि ये सब सबके सहयोग से, आपके सहयोग से ही संभव हुआ। और मेरा विचार ये था कि जब कभी सदन व्यवधान के बाद भी स्थगित नहीं हुआ तो मैंने भी सोचा कि कोशिश ये हो कि कभी व्यवधान न हो, कभी सदन स्थगित नहीं हो। ये मेरे मन की इच्छा थी, सदन की अपेक्षाओं के अनुरूप। और जनता का भी बहुत विश्वास भरोसा, जब भी मैं जाता था तो लगता था कि सदन के प्रति लोगों का विश्वास भरोसा और बढ़ता जा रहा है। मुझे याद है यहाँ पर जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जो सदन के नेता हैं वो जब सदन में प्रवेश किया था तो उन्होंने एक मंदिर की तरह इसका मत्था टेक कर इसकी सदन की गरिमा बढ़ाने का काम किया। और एक संदेश पूरे विश्व में गया था कि इस लोकतंत्र के मंदिर की प्रतिष्ठा कितनी बड़ी है, इस सदन की प्रतिष्ठा कितनी बड़ी है, क्योंकि सदन की प्रतिष्ठा जितनी बड़ी होगी, माननीय सदस्य विचार रखेंगे, अभिव्यक्ति करेंगे, तो निश्चित रूप से उस माननीय सदस्य की गरिमा भी बढ़ेगी और जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को भी पूरा कर पाएंगे। जो कुछ भी घटना पिछली बार
पिछले दिनों घटी, मुझे व्यक्तिगत रूप से पीड़ा हुई, व्यक्तिगत रूप से दुखी हुआ। शायद कोई दुखी नहीं हुआ होगा, किसी को पीड़ा नहीं पहुंची होगी। सदन के अंदर पर्चे फेंकना, सदन के मार्शल से आकर कागज छीनना, सदन में प्ले कार्ड लाना, फिर मुझे कई उदाहरण दिए गए कि सदन में इससे ज्यादा भी घटनाक्रम हुए हैं। क्या पिछले घटनाक्रमों को हम क्या उचित मानते हैं? क्या जो कुछ भी घटना घटे उनकी पुनरावृत्ति हम करना चाहते हैं क्या? मैं ये विश्वास दिला सकता हूं कि आप जिस भी चर्चा समाज पर बातचीत करना चाहेंगे, मैं सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों सदस्यों को बात कर मैं हर चर्चा संवाद को कराने का प्रयास करूंगा। मैं कभी भी नहीं चाहता कि सदन में व्यवधान पैदा हो। कोई परिस्थिति बनती है तो चेंबर में बैठकर विचार विमर्श हो जाएगा, बातचीत हो जाएगी। और मैंने आज सर्वदलीय बैठक में भी दो बातें कही, पर मुझे अच्छा लगा कि कई दलों ने प्रतिबद्धता व्यक्त की कि हमारे दल के नेताओं ने और हमारे दल की प्रतिबद्धता है कि हम कभी बेल में नहीं आएंगे। मैं इस आसन पर बैठा हूं, आसन की मर्यादा है, व्यक्ति आएंगे चले जाएंगे, लेकिन आसन की मर्यादा हमेशा बनी रहे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो विश्वास आपने मुझे व्यक्त किया है, मैं आपके विश्वास में कभी कमी नहीं आने दूंगा। दलों की गिनती के आधार पर नहीं, दलों की संख्या के आधार पर भी नहीं। और सदन के नेता ने भी और उपनेता ने भी यह अभिव्यक्ति हमेशा की थी कि हम संख्या के बल पर नहीं, हम लोकतंत्र के अंदर अच्छी चर्चा मत में मत जब रखते हैं तो मतों में भिन्नता हो सकती है, विचारों में भिन्नता होती है। सब अपने अपने दल और विचारधारा से चुनकर आते हैं, उनकी विचारधारा उनकी दल की मान्यताओं को सदन में रखा जाता है। सहमति असहमति इस भारत के लोकतंत्र का मर्म है, इसमें होना चाहिए, कटाक्ष भी होना चाहिए, व्यंग भी होना चाहिए, लेकिन मर्यादा के रूप में। और इसीलिए आज सभी सदन के नेताओं ने सर्वसम्मति से ये मत बनाया है कि हम सदन की कुछ मर्यादाओं को रखेंगे। हमारी माता बहनों के बीच में आपस में जो कुछ भी घटनाक्रम घटा हुआ, इस बेल से उस बेल में न जाना, चर्चा करते समय आरोप प्रत्यारोप न लगाना, लगाना लेकिन अभिव्यक्ति है, लेकिन किसी को चिन्हित करके आरोप प्रत्यारोप नहीं, जिसके विषय में आप लोगों ने चर्चा की। प्ले कार्ड की आवश्यकता नहीं है, ये मंदिर है, गर्भगृह है, तो कोशिश करें कि बेल में नहीं आए। मैं कोशिश करूंगा कि सदन की मूड को देखकर, सदन की व्यवस्थाओं को देखकर मैं आप लोगों से चर्चा करूं, बातचीत करूं, ताकि ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं हो। और मैं चाहूंगा कि कोई भी सदस्य सदन से निलंबित करना, निष्कासित करना, ये मैं अपेक्षा करता हूं कि इस आसन से कभी नहीं होना चाहिए। कम से कम मैं तो ये नहीं करना चाहता। आप विश्वास रखें, भरोसा रखें, केवल सदन की मर्यादा को बना के रखें, उसकी मर्यादा को कम मत करें। इसकी अगर मर्यादा कम हो जाएगी तो देश के अंदर लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास कम हो जाए। हमें भारत की संसद से नीचे तक
पंचायत तक के लोकतंत्र को संदेश देना है। एक अच्छा संदेश, स्वस्थ संदेश जाए, देश की ग्राम पंचायत में भी संसद की तरह चर्चा हो, ये संदेश हम देश के अंदर, लोकतंत्र के अंदर चाहते हैं। और मेरे सभी देश के पीठासीन अधिकारियों से चर्चा हुई, संवाद हुआ, वाद हुआ, सब अलग अलग दल के विचारधारा से आए हुए हैं, लेकिन अब पीठासीन अधिकारी सबका एक ही मत है कि हम सबको लोकतंत्र की मर्यादा को और बनाना है, सदन की मर्यादा को और बनाना है।